रामलला का गर्भगृह आज से बनेगा। हनुमानगढ़ी पहुँचे योगी। मंदिर आंदोलन से जुड़े 300 लोग बनेंगे गवाह। परिसर पहुँचे राजस्थान के नक्काशी पिंक स्टोन। 500 साल तक चले विवाद के बाद बन रहे रामलला के मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास आज 1 जून को है। दोपहर में गोरक्ष पीठ के महंत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर स्वामी परमानंद सहित राम मंदिर आंदोलन से जुड़े 100 से ज्यादा संतों सहित 300 लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। उन्हें रिसीव करने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य राम कथा पार्क पहुंचे थे। यहां से पहले वह 9:30 बजे हनुमानगढ़ी में दर्शन करने पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद राम जन्मभूमि के लिए रवाना हो गए। राम मंदिर के निर्माण का साक्षी बनना सौभाग्य की बात है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर कहा, देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण शुरू हुआ। पहले चरण के काम हुआ राम जन्मभूमि परिसर में पूरा हो गया है। आज दूसरे चरण के क्रम में काम शुरू हुआ है। आज का दिन राम भक्तों के लिए खुशी का दिन है। राम भक्तों को शुभकामना। हनुमान जी की कृपा से सब काम हो रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मंदिर निर्माण का साक्षी बन रहा हूँ। राम मंदिर आंदोलन के सिपाही के तौर पर मुझे भी मिला है मौका। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।